लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश को मिल सकती हैं 5 नई ट्रेनें। पटना और देहरादून के लिए चलेंगी वंदे भारत। लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ को 5 नई ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। लखनऊ से मुंबई, पुरी, कटरा, देहरादून व पटना के लिए नई ट्रेनें शुरू कराने की तैयारी है। लखनऊ से पटना व देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी, तो दूसरी ओर गोमती नगर स्टेशन से पुरी, कटरा व मुंबई की ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का गोमती नगर रेलवे स्टेशन भव्य व अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस स्टेशन की नींव रखी थी। गोमती नगर से कामाख्या व जयपुर के लिए ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं, जबकि अगले चरण में पुरी, मुंबई व कटरा की ट्रेनें पटरी पर उतारी जानी है। लखनऊ से पुरी के लिए अभी नीलांचल एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ऐसे में पुरी के लिए एक और ट्रेन मिल जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इस ट्रेन का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा गत जून में ही हो चुकी है। इसको पटरी पर उतारने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी शुरू करने की उम्मीद है। देहरादून पटना के लिए वंदे भारत चलेंगी। रेलवे अफसर बताते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को भी वंदे भारत ट्रेनें मिलनी हैं। लखनऊ से पटना व लखनऊ से देहरादून वाया मुरादाबाद वंदे भारत चलाई जाएंगी। इनके टाइम टेबल पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी दे सकते हैं सौगात। रेलवे प्रशासन की तैयारी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएं। वहीं गोमती नगर से पुरी, कटरा व मुंबई की ट्रेनों को रेल मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड हरी झंडी दिखा सकते हैं।